हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हमने हिंदी में पहले क्या पढ़ा था? आ से अनार, और यहाँ पे लिखे भी थे, है ना? ये आ अनार का लिखे थे। उसके बाद फिर क्या लिखे थे हमने? आ आम का, आ आम का। और आज हम लिखेंगे उ उल्लू का। अनार आम के बाद इमली ई खाता है, लेकिन इमली और ई बहुत कठिन है, मैं वो आपको बाद में सिखाऊंगी, ठीक है? तो आज हम लिखेंगे उल्लू का। ये तो ऑलरेडी आप लोग को आता है ना। ये देखो, यहाँ पेंसिल रखना है और आपने तो बहुत बार बनाया है टू कर्व लाइन एंड वन स्लीपिंग लाइन। ये उल्लू का है। और नेक्स्ट है ऊन का। ये देखिए, ऊन का कैसे लिखते हैं? सेम उल्लू का बनाओगे आप पहले, और यहाँ से ए टेल निकाल दोगे और बोल बोल के लिखना ऊन का। फिर से बोलिए मेरे साथ। ये देखिए, वन कर्व लाइन, टू कर्व लाइन, और ये टेल, और ये स्लीपिंग लाइन ऊन का। बहुत ध्यान से देखना है और एकदम आराम से आपको बनाना है, पिक्चर लिखना है नाम, ठीक है? ऊन का। नेक्स्ट है, अब हम आपको इमली ईक नहीं लिखवाए हैं, लेकिन इमली ईक का पिक्चर बनाना सिखा देते, बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए कौन सा अक्षर लिखा है, आप बताइए ये क्या लिखा है। देखो कौन सा अक्षर है, ये ऊ है, थ्री है ना? आपने थ्री के लिए भी दो कर्व लाइन यूज़ किए हैं, और ऊन के लिए भी, और बी फॉर बॉल के लिए भी, है ना? आज हम लिखेंगे उस चित्र, सॉरी इस चित्र बनाएंगे ई इमली का। ई इमली का पहले मैं आपको कलर करके सिखाती हूँ। आपको कलर कैसे करना है ई इमली में, देखिए ये जीरो 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 बनाना है। पेंसिल रखना है, पेंसिल को बार बार नहीं उठाना है। देखिए, पहले ज़ीरो ज़ीरो, सर्कल सर्कल सर्कल, ओ ओ ओ, जीरो सर्कल ओ, जीरो सर्कल ओ। ये देखिए, ये ज़ीरो, ये सर्कल, और ये ओ फॉर ऑरेंज, ठीक है? ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, इसको भी ज़ीरो बोलेंगे, इसको भी सर्कल बोलेंगे, और इसको ओ ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, ठीक है? सबको ज़ीरो बनाने के बाद फिर इसमें वन बनाना, वन 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 वन। पेंसिल नहीं उठाना, देखो, वन 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 वन, बोल बोल कर लिखना है। मुझे किसी किसी बच्चों के वीडियो में तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, तो बहुत अच्छा लगता है सुन के, और किसी बच्चे की तो बहुत धीरे धीरे आवाज़ आती है, सुना ही नहीं पड़ता मुझे। तो आप अच्छे से लिखोगे, ठीक है? अब देखिए, नेक्स्ट जीरो बनाने के लिए हमको क्या है, सॉरी इमली बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना है आपको। यहाँ से ए फॉर एप्पल क्या बनाना पड़ेगा, ए फॉर एप्पल। फिर इसमें पेंसिल उठा सकते हो, कोई बात नहीं। देखिए, अब यहाँ पे कल आपने एट बनाना सीखे थे, एट, लेकिन आज थोड़ा सा डबल लाइन है, इसलिए ये देखिए, ये सी फॉर कैट लिखेंगे वन टाइम, और सी फॉर कैट लिखेंगे, फिर यहाँ पे ऊ उल्लू का लिखेंगे, ठीक है? अब एक और न्यू लेटर आपको सीखना है इंग्लिश में, जो कि मैंने अभी नहीं सिखाया, ये है अपर कर्व लाइन। ये देखिए, जिसको हम अच्छे से, थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे, तो उसको बोलेंगे यू फॉर अम्ब्रेला, ठीक है? फिर यहाँ छोटा सा वन बनाएंगे और एक स्लैंटिंग लाइन बना देंगे, और स्लैंटिंग लाइन, स्मॉल स्लैंटिंग लाइन, स्मॉल स्लैंटिंग लाइन से ये इमली के पेड़ की पत्ती बन गई। देखो कितना सुंदर बना दिया मैम ने, आप भी मुझसे भी सुंदर बनाते हो, बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर बनाते हो आप लोग भी, है ना? चलिए नेक्स्ट एक बार और ट्राई करेंगे क्या हम? देखिए, पहले मैं ए फॉर एप्पल बना रही हूँ, ठीक है? ए फॉर एप्पल आपसे सबसे बनता है, ए फॉर एप्पल। ये देखो, चाहो तो लाइन भी ड्रॉ कर सकते, ऐसा कर सकते, कोई बात नहीं, ए फॉर एप्पल भी बना सकते। चलिए इसमें भी हम ए फॉर एप्पल लिख देंगे, कलर तो करना है, ओके, इसमें भी लिख देते हैं, वाह, ए फॉर एप्पल, ठीक है? ए फॉर एप्पल के बाद हमको
टू कर्व लाइन बनाना है, वन कर्व लाइन, या इसको सी फॉर कैट भी बोल सकते हैं। एक बार और सी फॉर कैट बनाना है, ठीक है। फिर हमको बनाना है ऊ उल्लू का या थ्री, है ना, उल्लू का या थ्री, जो भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे बोल सकते हैं हम यू फॉर अम्ब्रेला या अपर कर्व लाइन, ओके, ठीक है। फिर उसके बनाने के बाद यहाँ पे वन बनाना है, वन बनाने के बाद ऐसा एक स्लैंटिंग लाइन बनाना है, फिर स्मॉल स्लैंटिंग लाइन बनाते जाना है, बनाते जाना है। बन गया, कौन सा पिक्चर बन गया, ये ई इमली का, ठीक है। अब ई इमली का बनाने के बाद आपको कलर कैसे करना है, बोलो 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 बोलो। ये देखिए, ये इमली के कलर की पेंसिल लोगे, ये कौन सी पेंसिल, इस कौन सा कलर है, ब्राउन कलर, इमली का कलर ब्राउन होता है। यहाँ पेंसिल रख के ज़ीरो 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 सारी इमली में ज़ीरो 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 बनाना है, बोलते जाना है ज़ीरो सर्कल ओ फॉर ऑरेंज, ज़ीरो सर्कल ओ फॉर ऑरेंज, ज़ीरो सर्कल ओ फॉर ऑरेंज, ज़ीरो सर्कल ओ फॉर ऑरेंज। ये जब पूरा ई इमली का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमको इसमें फिर पेंसिल नहीं उठाना, सिर्फ वन बनाना, वन 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 वन, ये देखिए वन 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 वन, बन गया ई इमली का, ठीक है। ये वन 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 बनाते आना है, ये और ई इमली का हो गया। और लीफ का कलर कैसा होता है, ग्रीन, तो यहाँ पे आप ग्रीन कलर करोगे, ठीक है। ये देखिए ग्रीन लीफ का कलर, ठीक है, ऐसा ग्रीन कलर का लीफ, कौन से कलर की लीफ, ग्रीन कलर का लीफ, कौन से कलर की लीफ, ग्रीन कलर का, ठीक है। अब अभी वाला कंप्लीट करोगे, फिर ई इमली के बाद मैम आपको दिखाएंगे ई ईख का। अब ई ईख का कैसे लिखोगे आप, वाह ईख तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। यहाँ पर आप स्केल रखोगे, ये देखिए, और स्टैंडिंग लाइन बनाना है ना, स्केल रखने के बाद ये स्टैंडिंग लाइन बनाना है, फिर यहाँ पे भी स्केल रखना है और स्टैंडिंग लाइन बनाना है, ठीक है। स्टैंडिंग लाइन बनाने के बाद आपको बनाना है स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, ठीक। स्लीपिंग लाइन बनाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे बन बनाना है, स्लैंटिंग लाइन और बन दोनों बनाना है। पहले स्लैंटिंग लाइन सॉरी स्टैंडिंग लाइन बनाओगे, उसके ऊपर से स्लैंटिंग लाइन बनाते जाना है बस, ठीक। कैसे बनाना है, पहले स्केल रख के स्टैंडिंग लाइन, ये देखो स्केल रखी मेरे पास, ठीक है, स्टैंडिंग लाइन बनाए। उसके बाद आपको वन स्लीपिंग लाइन, टू स्लीपिंग लाइन, आप लोग बोल बोल के नहीं लिखते हो बिल्कुल ना, सारे बच्चे सब बोल बोल के लिखेंगे। थ्री स्लीपिंग लाइन, फोर स्लीपिंग लाइन, काउंटेड कितनी स्लीपिंग लाइन है, वन टू थ्री एंड फोर। उसके बाद वन 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 वन, फोर वन बनाएंगे। उसके बाद स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या बनाना है, गन्ने की लीफ, ईक की लीफ, सबने गन्ना देखा है, गन्ने की लीफ बनाना है। अब कैसे बनाएंगे गन्ने की लीफ, ओहो आपसे नहीं बनेगी, कोई बात नहीं, ऐसे बना सकते हैं, इसमें भी वन वन बना सकते हैं। अगर आपसे ऐसे वाली गन्ने की लीफ नहीं बनती, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको। अब देखिए ऐसा करोगे, ठीक है, फिर ऐसा भी कर सकते, जैसा आपसे बन रहा है वैसे बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं बहुत सारे बच्चे ने, ये देखिए बहुत सारे बच्चों को जो भी आपसे बनता है आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर ये वाली लीफ नहीं बनती तो आपको इजी वाली लीफ बना दो, ठीक। अब समझ में आ गया, एक बार और समझाऊँ आपको, ये देखिए क्या करना है, इसको
स्लीपिंग लाइन स्लीपिंग लाइन स्लीपिंग लाइन स्लीपिंग लाइन। अब ज्वाइन कर दीजिए स्टैंडिंग लाइन वन वन वन। बहुत सारे तरीके से आपको जो भी अच्छा लगता है आप उससे करो। वन 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 वन, फिर यहाँ पे वन टू थ्री फोर वन बनाना है। फिर स्लैंटिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन, फिर यहाँ से वन बनाना है। उसके बाद स्लैंटिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, ये बन गया। क्या बन गया? ये ई ईख का। और ई ईख में कलर कैसा होता है? ये देख, गन्ने का कलर ऐसा होता है। ठीक है, इसको भी इसमें से वन वन बनाना है आपको। वन वन बना के कलर करना है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया है। और पत्ती का कलर होता है ग्रीन। ठीक हो, कितना यम्मी टेस्टी गन्ना बना है ईख, है ना? ठीक है, ये कौन सा कलर हो गया? ये आपका ईख पिक्चर बन के तैयार हो गया, रेडी। ठीक, और आज मैंने बहुत सारा एक्टिविटी वर्क दिया है क्योंकि सैटरडे और संडे दो दिन आपके पास हैं और अभी लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, तो लॉकडाउन में मम्मी और आप लोग तो बहुत जल्दी जल्दी वर्क कंप्लीट कर लेते हो ना, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती सब फटाफट। आप लोग ये भी जल्दी लिख लोगे, ये भी फर्स्ट लिख लोगे और ये दो, ये तो बहुत ईजी है। ओके बाय।